एक बात, आपकी पेंटिंग का शीर्षक भी है वो उदास शहर। मुझे जैसे लगता था एक लंबे समय तक आपकी पेंटिंग ग्रे और इस तरह के कलर्स में थी, ब्लैक या, तो उसमें एक उदासी वाली जो बात है बड़ी स्ट्रांग रही आपके रचनाक्रम में भी, और आपके कम से कम उस दौर के पेंटिंग में। ये इसके पीछे क्या मतलब, और कुछ और वजह भी है कोई? नहीं, और तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बार किसी ने कहा था कि तुम्हारे जो मेल फिगर से वो सब निर्मल से मिलते जुलते हैं, तो निर्मल उन दिनों काफी वो तरस से रहते थे, कुछ उन समझ नहीं आ रहा था उनका भी ना कुछ, कि वो क्या करेंगे, कैसे रास्ता उनका निकलेगा, यहाँ पर कुछ बात बन नहीं रही थी। नहीं, बात तो बनती थी, नौकरी वोकरी थोड़ी बहुत कर लेते थे, लेकिन जब उनको प्राग आने का निमंत्रण मिला तब जाकर उनका हुआ था। लेकिन आपने क्या, जब वो जो चेहरे बनाए उस समय मेल, उसमें वो तो क्या क्या हो निर्मल जी सकता से था? थे, निर्मल जी से प्रभावित थे, मतलब उस चेहरा आपके मन शायद में मुझे लगता है शायद कहीं सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस? माइंड में था। और ये भी निर्मल जी ने भी जिक्र किया है आपने भी, कि एक जमाने में जब आप छोटे थे, तो जब वो 5 साल के थे, आप 9 साल के थे, तो आप कई सारी ट्रॉफी वगैरह आपने जीती थी। मतलब आपका स्वभाव भले चुप्पा था, ये निर्मल जी के ही शब्द हैं, लेकिन बैडमिंटन में, अभिनय में और इन सब में आपका ये, तो ये क्या वाकई आप उस, मतलब वैसे तो आप बहुत, मैंने तो जब भी, जब से जानता हूँ आपको, बहुत ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा या बहुत ज्यादा, तो लेकिन एक्टिव थे आप काफी शायद, नहीं, या वो ये होता था कि जिस इलाके में, शिमला में हम लोग रहते थे, वहाँ कुछ वो एनुअल स्पोर्ट्स हाँ वगैरह करवाते थे, तो उसमें तो मतलब की बात है कि म्यूजिक का होता था, बैडमिंटन के मैच या और चीज़ें, तो सौभाग्य से मैं ऐसा कोई ऐसा वो तो था नहीं, हारता ही था, लेकिन उस वर्ष में मेरे हमारे जीजा आए हुए थे कानपुर से, उन्होंने एक मुझे भजन सिखा दिया, तो गाने तो मैं म्यूजिक कम्पिटिशन में बैठ गया। भजन भजन हाँ भजन हाँ भजन, मैया मैं नाही माखन गायो, यही था, उन्होंने सिखा दिया तो मैंने गा दिया उसको, तो मुझे प्राइज मिल गया, और उस दिन मुझे काफी प्राइज यानी वो मिल गया। संयोग था कि उस साल हाँ आपको, उस साल, मतलब ये हाँ रेगुलर आप नहीं नहीं था। रेगुलर नहीं था वो, उस साल था कि बहुत पेंसिलें ये सब मिल गई, और निमर जी रोने लगे तो फिर फादर ने उठा कर उनको दे दिया था। अच्छा, इसका मतलब ये इंटरव्यूज में ये रिकॉर्ड ठीक से नहीं किया गया, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे आप लगातार काफी मतलब विनर थे, और अच्छा, काफी ऐसा नहीं, कुछ, ना ना आपकी ऐसा बात नहीं। से तो लग रहा है कि संयोग से उस साल हाँ आपने। संयोग से, वो संयोग ही होता रहा कि मैं ही एक बैठा म्यूजिक कंपटीशन में, और लोग नहीं थे, दो ही अच्छा तीन थे शायद, अच्छा और होते तो अच्छा उनको और को मिल जाता, क्योंकि बहुत से लोग बंगाली लोग रहते थे, वो अच्छे थे गाने वगैरह। आपने उसके, अब जैसे उसी बात पे लौटे बनारस वाले, जब एक लंबे यानी 20-21 साल बाद जब आप बनारस गए, जब आप खुद भी एक बहुत मेच्योर हो चुके थे आर्टिस्ट के रूप में भी और लेखक के रूप में भी, तो आपको उस समय क्या अंदर से जो बनारस दिखाई दिया, जो चूंकि आप बेसिकली बहुत इंटरनलाइज, मतलब आप सोच करके विचार करके संभवतः आपकी दुनिया बनती है, तो उसमें कोई बड़ा फर्क नजर आया था आपको, या सब जैसे आखिरी विजिट आपकी जो थी वो तो बहुत मेच्योर एज में थी, हाँ तो आपको कैसा लगा वो, या कितने दिन देखिए, रहे हर आप बार वहां? कोई नई, हमेशा नई नई चीजें तो दिखाई देती थी, और कोई ऐसा एक बार कृष्णा मूर्ति के आश्रम में रहे राजघाट की तरफ, तो वहां से भी तो सारा शहर पार करके आना पड़ता था, कबीर चौराहा वगैरह सब, तो हमेशा नए नए चीजें तो दिखाई देती ही नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे ये तो दिखा हुआ है, देखा हुआ तो था लेकिन उसकी गहराई में जाने को, बड़ी पुस्तक लिखने का किसी ने, एक अमेरिकन थे दिल्ली में, वो कुछ कैसे टूरिस्ट के लिए किताबें निकाल रहे थे,
तो उन्होंने कहा तो बनारस पर तुम लिखना चाहो तो लिख दो, मैंने कहा मैं तो लिख तो मैंने फिर बनारस में सबसे जाके बिस्मिल्लाह खान सबसे इंटरव्यू किया इंटेलेक्चुअल से। ये कब की बात है? ये बात है देखिए 60 के करीब। ये मतलब उन्हीं दिनों क्या जब आप पहली बार गए? पहली बार वो तभी था पहली बार के बाद की बातें। अच्छा ये आपके एक फैक्ट जो मैंने थोड़ा सा चकित करता है कि जब आप पेरिस गए थे तो आप हिंदुस्तान में कॉलम लिखते थे तो उसने आपको जो पैसा मिलता था उसने सपोर्ट किया, चाहे आपको मकान रहने को भी था, लेकिन क्या उन दिनों ऐसा संभव था कि भारत में हिंदी पत्रकार की जो पारिश्रमिक होता था वो उससे पेरिस में रुपए भेजे जा सकते थे? नहीं रुपए तो भेजा सकते लेकिन उतना काफी होता था? नहीं काफी तो नहीं होता था, लेकिन कुछ तो सपोर्ट मिलता था, 100 रुपए 50 रुपए कुछ तो मिले। वहाँ पर तो बहुत पैसे की बहुत तंगी थी, जब मकान तो मिल गया जैसे जैसे, मतलब कमरा वो भी फ्री मिल गया ऐसे। हाँ वो मैंने पढ़ा था। और बाकी का तो कुछ करना ही पड़ता था, खाने पीने का इंतजाम घर में एक वही बनाइए तो डबल रोटी के साथ सब्जी एक बना दीजिए यही बना। तो काफी संघर्ष के ही दिन, मतलब वो तो हाँ आर्थिक तो भली टेस्टी की दुकान आती थी, मैं सड़क पार कर लेता था कि वहाँ से आएंगे तो बड़ी खुशबू आती है टेस्टी की और भूख लगने लगती है, किस करके उत्तर मतलब सड़क पार करके पेस्ट्री का। अच्छा काफी खुशबू आएगी तो इधर पेस्ट्री की दुकान थी, इधर काली सड़क थी, यहाँ से जब आके यहाँ पार करके फिर आगे सड़क तो वही थी लेकिन दूसरी तरफ, इसलिए कि खुशबू ना आए, खुशबू ना आए ताकि मन में भूख लगती। अच्छा ये बढ़िया।